हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑफ कोर्स विक्की और आप देख रहे हैं टेक टू एडवांस वीडियो के साथ। जैसे आप सभी जानते हैं, बहुत सबरी से इंतजार हो रहा है इंडिया में रेडमी नोट प्रो के बारे में। जैसे आपने संभाल देख लिया ही होगा, बहुत ही जल्द आने वाला दोस्तों आपका रेडमी नोट प्रो इंडिया के अंदर। आज बात करेंगे इसी के फोन के बारे में, क्या खास है, तो फीचर्स तो आप लोगों ने आधे लोग जानते हो, नहीं जानते तो उस वीडियो में आपको देख ही लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें क्या खास होने वाला जो इंडिया में आएगा, तो क्या प्राइस हो सकते हैं और इंडिया के अंदर में, तो सारी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में ही। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही कहना चाहता हूं, हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए टैग टू एडवांस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले टैग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मीडियाटेक की इस दमदार प्रोसेसर के साथ भारत में आएगा रेडमी नोट प्रो, आइए जानते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बारे में, क्या खास हो सकता है। जैसे कि पिछले महीने शोमी ने ये कहा था कि रेडमी नोट प्रो की सीरीज भारत में लॉन्च करेगी, हालांकि अभी तक इसके लिए लिस्टिंग डेटा का ऐलान नहीं किया गया। कंपनी ने कहा है कि सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग के लिए इसमें 8 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि रेडमी 8 सीरीज को अक्टूबर के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। शोमी ने इस सीरीज के रेडमी नोट और रेडमी नोट प्रो स्मार्टफोन को पहले ही चीन में लॉन्च कर दिया है। शाओमी ने रेडमी नोट प्रो में परफेक्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की जगह मीडियाटेक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया था, जिसमें आपको बता दें रेडमी नोट प्रो पहला ऐसा फोन है जिसे मीडियाटेक का हेलियो G90T प्रोसेसर यूज किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि भारत इस कंपनी के प्रोसेसर को मीडियाटेक के साथ ही लॉन्च कर सकती है। और इसे आप बता दें कि आप मीडियाटेक इंडिया के MD अनु कुमार जैन की कहा है कि रेडमी नोट प्रो को भारत में गेमिंग स्टिक मोबाइल के प्लेटफॉर्म पर उतारा जाएगा। साथ ही साथ मीडियाटेक का जो प्रोसेसर है हेलियो G90, जो कि बहुत एक पावरफुल प्रोसेसर है, जो कि नया सबसे पहला आपको रेडमी नोट प्रो का देखने को मिलेगा। साथ ही आपको ये बता दें, चाइना में इसकी जो बिक्री है काफी जोर शोर से चल रही है, काफी बिक रहा वाला फोन, तो इसी उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया में जब लॉन्च करेंगे इसी तरह ये इंडिया में भी हेलियो G90 मीडियाटेक का जो प्रोसेसर लगा हुआ है काफी पसंद किया जाएगा। साथ ही दोस्तों एक चीज और भी लीक सारी कि इसकी जो हीटिंग प्रोसेसर हीटिंग करता थोड़ा बहुत, तो इसको ठीक करके टेस्टिंग करके इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो और काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें रेडमी नोट प्रो के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको 91.4 स्क्रीन का बोल्ड रेशियो के साथ आपको वाला फोन देखने को मिलता है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.3 इंच की इसमें फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले दी गई, जो कि आपको इस डिवाइस में आपको कर्व ग्लास 3D का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर अगर कैमरे की बात करें तो खास इसका कैमरा है फोटोग्राफी के लिए। इस स्मार्टफोन में 64MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, वहीं स्लो मोशन वीडियो भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही सेल्फी के लिए इसमें आपको रेडमी नोट प्रो के अंदर 20MP कैमरा दिया जाएगा। इसकी बैटरी MAH की अगर बात करें दोस्तों, 18W का खुद आपको इन बॉक्स मिलेगा। साथ ही साथ में 4500mAh की बैटरी दी जाएगी, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता ही है। प्लस साथ में बात करें इसकी कीमत की, जैसे यहाँ पे चाइना में लॉन्च किया था इसको दोस्तों रेडमी नोट प्रो को 1399 अगर इंडिया में हम कन्वर्ट करते हैं तो 14,000 समथिंग का कुछ आपको बैठता है। इसे कंपनी ने 2-3 वेरिएंट में लॉन्च किया था, 6GB और 64GB स्टोरेज के साथ में, 6GB और 128GB के स्टोरेज के साथ में। तो दोस्तों ये इंडिया में तो बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाला, जैसे कि आपको पता चल गया, हमने स्पेसिफिकेशन बता दी, इसके प्राइस बता दी और कब तक इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। बस छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, आप लोगों को बता दो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।